आज मैं आपको घुमाऊंगा इब्राहिम हैदरी की मंडी में, और हमारे साथ इरफान भाई हमें सब चीज़ों के नाम बताएंगे, मछलियों के नाम बताएंगे, उनके प्राइजेस बताएंगे और उसे कंफर्म करेंगे और हमें एक मशवरा देंगे कि कौन सी मछली किस भाव में सही है। चलें स्टार्ट करते हैं। आयफान साहब इसके बारे में कुछ बताएं। चलो एक एक जना लेगा तुम्हारा काम हो जाएगा, पूरा गोश्त वाला मछली। ये अभी कट रहा है, अभी हमने दिया, आ जा देख ले जो भी है जमीन है, सही ना? फिर बाद में बात कर लेंगे, बोले देख लो इनकी बात सही ना बनी। हाँ सही है, इसका 1200 बटे का 800 में लगा देगा। किलो क्या बोल रहे हैं? ये किलो मिल जाएगा इससे। ये कौन से किससे बनता है? ये चमंदरी इंटरव्यू की देना शुरू हो गया यार भाई, बेकार बात है ना, काम का टाइम आप फसल आपको इंटरव्यू की देगा आगे ले बेकार है। अरे तो हम ये चीज़ आगे लेके जा रहे हैं ना, हजार रुपये बिल्कुल सही बोले तुमने। नहीं क्या कर रहे हो, बीच का करो रास्ता यार। अरे वो बाबा क्या कह रहे बाबा, छोटू ना गल करो, करो ये गलत ना करो, कटाई हो रही है यही बनवा लेना ना। ये पूरी इस वक्त मंडी इब्राहिम हैदरी की मंडी चल रही है। हाँ हाँ उतारना बैठ के बाबा, इसको तो ये उतारेगा खुद, ये चांदनी इसकी खुद उतारेगा, लेके आएंगे नेक्स्ट। इस वक्त सारम की कटिंग हो रही है, एक कांटा एक बोल के बनाओगे ना एक पूरी फिंगर हो जाएगी, एक आधी। हां ऐसे ही ऐसे ही बाल बाल उतार के बनाओगे ना तो ये लगा। आप कौन सी ले ली इसके बाद, सीधी बना देना दो दिन अब कौन सी ले इमरान भाई इसके बाद? अभी एक बज रहे यार, बजे एक इस वक्त झींगे साफ हो रहे हैं। इस वक्त आज हमने विजिट किया इब्राहिम हैदरी की फिश मंडी। इसके अंदर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, मीठे पानी की मछली भी ला ला के यहाँ पर फरोख की जाती है, बस इसका थोड़ा एहतियात करना है। फ्रिज में रख देंगे अभी थोड़ी देर। ये राहिल कारी साहब यहाँ के हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग अल बशारत चैनल। इब्राहिम हैदरी के साहिल में एक दिलचस्प चीज़ ये भी है कि बगले भी यहाँ पर ज़िबा होते हैं। यहीं पे यहाँ पर बगले ज़िबा हो रहे हैं। और कौन सी लिए है? सारम लिए, सारम लिए।
ये बगलों की कटाई हो रही है। अरे बहुत सारा रोज का काम है यार, इसके परों में कुछ नहीं होता वाकई में। कैसा फ्राई का होता है इसका? फ्राई का है, पकाने वाले का। अच्छा अच्छा, पहले इसको जाके बालना। यार मैंने चाहे चल बिस्मिल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा कर लू और खंबा और पतला वगैरह किस तरीके से इधर दे। ओए मुट्ठी को सही से पकड़, जमा नहीं करूंगा। जिस तरह काट रहा है जोर से मेरी तकलीफ होगी।